हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी का ये श्रृंगार करेंगे। ये देखिए, आज हमने इन्हें राधा रानी का स्वरूप दिया है। और चूंकि मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी, तो ना ही मैंने माथा पट्टी बनाई थी इनकी और ना ही इनकी नथ, तो वीडियो के अंदर ही मैं बताऊँगी कि आप इन्हें कैसे माथा पट्टी लगाएँ और नथ पहनाएँ। अब देखिए, सबसे पहले हम इन्हें चोली पहना रहे हैं। ये ड्रेस मैंने बना के बताई हुई है गाइस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लें। मैंने जो जो भी चीज़ इनको जो जो क्या मैंने लगभग सारी चीज़ें इन्हें बनाई हुई ही पहनाई है। बस मैं एक इन्हें कंगन पहनाऊँगी जो रेडीमेड है, बाकी सब ज्वेलरी सब कुछ जो भी मैं यूज़ करूँगी सब कुछ मैंने बनाया हुआ है और सबकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है गाइस, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लें। अभी देखिए, नीचे का घेर पहना रहे हैं, बहुत ही सुंदर है ये ड्रेस, ये मैंने राधाष्टमी के लिए ही बनाई थी। ये देखिए, अब हम इन्हें ये पायल पहनाएंगे। मैं पायल पहनाना भूल गई थी, तो ये देखिए पहना देते हैं इन्हें पायल। आप ड्रेस का घेर पहनाने से पहले ही इन्हें पायल पहना लें। इनका जो चंदन वाला श्रृंगार है, इसका वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी, क्योंकि अगर मैं इकट्ठा कर देती तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। और इनके चंदन के श्रृंगार के लिए काफ़ी सारी कमेंट भी आ रही थी कि मैं कौन सा चंदन या फिर कौन सा कुमकुम या क्या कलर यूज़ करती हूँ, तो वो सब मैंने उसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है। अभी देखिए, इनकी कमरबंद है, ये भी मैंने बनाई ही है, बहुत सुंदर है, पहना देते हैं इन्हें। बस हम इसे पीछे से बांध देंगे। और वीडियो मैंने बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी फास्ट कर दी है, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि हाँ यहाँ फास्ट कर दे, बाकी जहाँ थोड़ा सा क्लियर दिखाना था आपको वहाँ पे मैंने स्लो कर दी है, जो नॉर्मल होती है। अभी देखिए, इन्हें हम ये पटका लगा देते हैं। ये पटका मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा गाइस, ये मैंने पहले ही बनाया हुआ था, लेकिन ये देखिए इस ड्रेस के साथ एकदम मैचिंग का जा रहा है तो मैंने लगा दिया। ये मोम है, इससे ही हम इनकी सारी ज्वेलरी चिपकाएंगे। ये ज्वेलरी चिपकाने के लिए ही आता है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलता है, ये 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये दोनों हाथ पे हम इनके लगा दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ पे हम बाजूबंद लगाएंगे, तो ये देखिए ये है इनकी बाजूबंद। सारी ज्वेलरी इनकी मैचिंग ही है, गोल्डन और सिल्वर टच दिया है मैंने, क्योंकि इनकी ड्रेस में भी गोल्डन था और सिल्वर के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, वाइट और गोल्डन इनकी ड्रेस में है। तो ये देखिए, ये दोनों सेट हो गया। मोम लगाने से थोड़ा सा ये होता है कि ज्वेलरी के गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। इस वीडियो में बस ये एक कंगन ही है, जो ये देखिए रेडीमेड है, मैं अभी पहना रही हूँ गोपाल जी को, बस एक यही रेडीमेड है, बाकी सब कुछ ज्वेलरी इनकी सारी मैंने खुद ही बनाई हुई है और सारी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। ये देखिए, छोटा कंगन इसलिए पहनाती हूँ क्योंकि इनका जो ऊपर वाला हाथ है उसमें कंगन थोड़ा सा सरकने लगता है, और एक दो कंगन पहना देने से ये होता है कि थोड़ा सा हाथ भी भर जाता है और वो देख के भी बहुत सुंदर लगता है और कंफर्टेबल भी बहुत होता है। ये देखिए, ये इनकी रिंग है, तो रेड कलर में मैंने आज पहनाई है इन्हें, क्योंकि ड्रेस तो इनकी रेड में ही थी। ये इनके गले का हार है, देखिए पूरा नेक ही भर गया इनका, बहुत सुंदर लग रहा है। इसीलिए मैं इनकी ज़्यादातर चोली प्लेन ही बनाती हूँ, जिसे ज्वेलरी एकदम उभर के आए। अब एकदम हैवी चोली रहेगी तो फिर ज्वेलरी ही नहीं उभरेगी, तो देख के इतना अच्छा नहीं लगता है। अब इसके साथ का ये देखिए, ये बड़ा वाला माला पहना लेते हैं। आप देखिए, हम इन्हें ये बिग लगाएंगे। मेरे पास अभी बिग का ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, मैं जाऊंगी तो इनके छोटे छोटे बाल भी लेके आऊंगी, तो ये राधा रानी के लुक के लिए एकदम परफेक्ट है, तो मैं ये बाल लगा दे रही हूँ इनको। इसे भी थोड़ा सा मोम की हेल्प से चिपका लेंगे, जिससे इसके निकलने के चांस ना हो, और आप थोड़ा सा बचा के करें क्योंकि चंदन मेरे हाथ में लग रहा था, चंदन से हमने श्रृंगार किया हुआ है। अभी देखिए, ये चेन है, नग वाली चेन है, ये 30 रुपये पर मीटर मिलती है, 30, 40, 50 ऐसे ही, थोड़ी सी नग मोटी और चौड़ी होती है उसी के अकॉर्डिंग होता है इसका प्राइस। मैंने देखिए नाप के दो भागों में कट कर लिया इसे, इसी से मैं माथा पट्टी बनाने वाली हूँ।
थोड़ा सा अधिक मोम लेके मैंने इनके सर पे लगा दिया है। अब इसमें ये चिपका लेंगे हम। ये देखिए दूसरी साइड का भी चिपका लेते हैं। अब थोड़ा सा और मोम लेके जहाँ पे हमारा टीका होता है वहाँ पे मैं लगाऊंगी। अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है गाइस, तो मुझे थोड़ी सी मतलब समझ में नहीं रहा था कि पहले कहाँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर भी बहुत अच्छे से हो गया। मुझे कोई भी चीज़ दोबारा से नहीं करनी पड़ी, सब एक ही बार में हो गया आराम से। यहाँ पे थोड़ा सा चिपका के इसे हम कान के ऊपर चिपका लेंगे। दोनों साइड मैंने लगा लिया था, तो ये देखिए इधर भी चिपका लेंगे। अब हम एक बार और भी माता पट्टी पे लगाएंगे। ये हमने नग वाली चेन लगाई थी, अब सेकंड टाइम में हमने देखिए ये बॉल चेन कट की हुई है गोल्डन कलर की, तो सिल्वर और गोल्ड दोनों टच आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हम बॉल चेन भी वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने माथा पट्टी लगाई थी, बस हमने माथा पट्टी ऊपर से लगाई थी और यहाँ पे देखिए बॉल चेन हम नीचे से थोड़ा सा लगा रहे हैं जहाँ पे हमारा टीका आता है। इधर का मुझसे उठ नहीं रहा था गाइस, ये देखिए थोड़ा सा डर लग रहा था कि चंदन छूट ना जाए, चंदन से ही सब मेकअप हुआ है तो वो डर लग रहा था कि निकले ना। और श्रृंगार करने में काफ़ी वक्त लग जाता है गाइस, इसलिए वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती है। मुझे लगभग 45 मिनट लग गया था तैयार करने में इनको। अभी देखिए ये मेरे पास अंगूठी थी तो मैं उसी को लगा दे रही हूँ ये टीके के लिए। बहुत अच्छे से सेट हो गया था। अब देखिए इनकी नथ लगाएंगे, तो उसके लिए नाक पे थोड़ा सा मोम लगाएंगे। और नथ के लिए भी मैंने नग वाली ही चेन यूज़ की है, तब सबसे पहले तो आप नाप लें उसे, ये देखिए ऐसे करके कि कितना लंबा लगाना है आपको, उतने ही दूर से उसे तोड़ें या फिर कट करें। देखिए मैंने उतना ही तोड़ लिया है। अब ये मैं कान के ऊपर इस बार लगाऊंगी, मोम एकदम ऊपर लगा रही हूँ, हमारी इयररिंग जहाँ होती है उसे भी ऊपर। तो एक जगह से नाक पे चिपका दिया और एक जगह से कान पे, बहुत ही सुंदर लग रही थी गाइस। लास्ट में मैंने पिक भी ऐड की है, उसमें भी आप देखना कि कितनी खिल के आ रही है इनकी नथ। अब हम इन्हें इयररिंग पहनाएंगे, तो मेरे पास रेड नग में ही थे, गोल्डन कलर में नग थे चारों साइड से और रेड बीच में। अब ये है इनका दुपट्टा, तो दुपट्टा लगाने से भी पहले हम थोड़ा सा मोम लगाएंगे जिससे हमारा दुपट्टा गिरे ना। और ये मोम बहुत ईजिली निकल जाता है बाद में, ऐसा नहीं होता है कि निकलता नहीं है, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए है ये। यहाँ पे ये चिपका देंगे, ये हो गया। अब लास्ट में लगा देते हैं इत्र, मेरे पास ये गुलाब का इत्र है, बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी। अब ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, लग रहा है कि राधा रानी ही बैठी हैं। इनकी पिक आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी गाइस, तो अगर आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लें। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको।